अस्सलाम वीवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सोनिया में। तो आज हमारे किचन में बने हैं गुड़ वाले चावल। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल ले लिए, उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दी है। तो 1 किलो चावल है और मेरे पास गुड़ है। ये तो गुड़ जो है वो 1 किलो से कम है, जैसे कि 3, ये इस तरह की 3 मैंने ये बचा ली हैं, क्योंकि 1 किलो गुड़ और 1 किलो चावल वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपने ये 3 जो इस साइज़ की हैं आपने बचा लेनी है। तो ये जो मीठा है ये बिल्कुल नॉर्मल है, ना कम ना ज़्यादा। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 किलो भी डाल सकते हैं। इसमें जाएगा एक छोटी साइज़ की प्याज, ये मेरे पास खोपड़ा है, इसको मैंने इस शेप का काट लिया है। नमक है मेरे पास 2 से 3 चुटकियाँ, आपने ज़्यादा नहीं डालना। और किशमिश है मेरे पास, और बादाम है, और इलायची है 5 से 6 अदद। तो ड्राई फ्रूट आप कोई भी अपने पसंद का डाल सकते हैं। जैसे 1 किलो चावल थे तो वो मैंने को नापा तो वो 3 ग्लास थे, तो इसलिए मैंने 3 ग्लास चावल हैं और 5.5 ग्लास मैंने पानी डाला है। और उस पर मैंने डाल दिया गुड़। तो इसको फ्लेम करेंगे ऑन, तो इसको सिर्फ जो है ये अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे इसको, गुड़ को इसके अंदर। तो एक पतीले में मैं डालूंगी ऑयल 1 कप, तो उसमें डाल दूँगी प्याज। आपने बहुत से तरीके देखे होंगे गुड़ वाले चावल के, तो आज मैं बना रही हूँ अपने तरीके से, तो आपने ये ट्राई करना। तो ये देखिए गुड़ जो हमारा वो सारा मेल्ट हो गया है। तो ये देखिए अभी मैं इसको छानूंगी, तो आपने इसको लाजमी छानना है। ये देखिए इसके अंदर पता नहीं छोटे छोटे से कुछ चीज़ें होती है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये देखें, तो आपने इसको लाजमी छानना है, छान के आपने चावलों में डालना है। तो प्याज देखिए हल्का सा गोल्डन मैंने कर लिया है। अभी इसमें डालूंगी इलायची। कुछ लोग सौंफ डालते हैं, कुछ लोगों को नहीं पसंद, तो अगर आपको पसंद है तो आप डालें, तो मैं जो है सौंफ नहीं डाल रही। तो प्याज हमने बहुत ज़्यादा जो है उसका कलर नहीं देना, बस हल्का सा कलर देना है। तभी मैंने जो चाश बनाई है वो मैं इसमें डाल दूँगी छान के। तो वो पानी मैंने जो है छान के डाल दिया गुड़ वाला। तो पानी में साथ डाल दूँगी नमक, तभी इसको कवर करूँगी बॉयल आने तक। पानी का बॉयल आ गया, अब इसमें डालेंगे चावल। तो चावल मैंने डाल दिए, तो इसमें चम्मच लाएंगे, इसको कवर करेंगे, मैं थोड़ा सा डालूँगी 1 टेबल स्पून। इसमें डालेंगे किशमिश, किशमिश को थोड़ा सा करेंगे किशमिश, तो किशमिश को हम करेंगे थोड़ा सा रोस्ट। तो साथ हमारे चावल भी हो रहे हैं, अब इसका पानी जो और ड्राई करेंगे। आप ऐसे भी डाल सकते हैं किशमिश, लेकिन आप थोड़ा सा इसको रोस्ट करके डालेंगे, इसका टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी साथ में डाल दीजिए बादाम, इनको भी थोड़ा सा रोस्ट करेंगे हम। साथ में डाल देंगे खोपड़ा, बस थोड़ा सा हम करेंगे इनको रोस्ट, फ्लेम में कर दूंगे अभी बंद। तो अभी इन सब चीज़ों को रोस्ट कर लिए, अभी इनको निकाल लेंगे। अभी थोड़ा सा पानी इसमें डाल के अभी हम ये ड्राई फ्रूट जो रोस्ट किए हैं वो डाल देंगे सारे, थोड़े से इन्हें बचा लिए गार्निशिंग के लिए, तो बाकी हम इसमें डाल दिए। अभी थोड़ा सा पानी इसका और ड्राई करेंगे, फिर इसको रखेंगे दम पर। इसमें बिल्कुल हल्का हल्का सा पानी रह गया, तो अभी मैं इसको लगाऊंगी दम, क्योंकि ये जो चावल है ये दम फिर ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे दूसरे चावल 10 मिनट लेते हैं, ये 20 से 25 मिनट ले जाते हैं, इसलिए हल्का सा पानी मैं इसमें रखूंगी ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छे से गल जाए। मैंने एक अखबार ले लिया, इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर दिया। अभी मैं इसको अच्छे से चम्मच चलाऊँगी, इसमें सारे एक जगह करूँगी और उसके ऊपर ये अखबार दे दूँगी, ऐसे कवर कर दूँगी।
और इसके ऊपर ढक्कन से इसको कर दूँगी कवर और फ्लेम मैं कर दूँगी बिल्कुल हल्की सी और 20 मिनट के लिए इसको मैं दम लगा दूँगी। तो ये देखें हमारे गुड़ वाले चावल बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं, बहुत आसान है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो आपने मुझे बताना है कि ये कैसे बने हैं, तो आपने इसको ट्राई करना है। थैंक यू।